हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक वॉशिंग मशीन जो कि एलजी की है, सेमी ऑटोमेटिक। और उसके बारे में आपको बताऊंगा क्या क्या उसमें फंक्शन है, क्या क्या चीज़ें हैं, कितने की है, ये भी सब बताऊंगा। 8.5 kg की वॉशिंग मशीन है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए मशीन, ये है आपकी 8.5 kg। इस तरफ देख लीजिए 8.5 kg। और फिर आपकी 5 साल की मोटर की वारंटी है इसमें, ठीक हो गया। ये वॉश सेलेक्टर है जो यहाँ से पानी इन होता है उसके लिए ये है। इस तरफ कर देंगे तो वॉश में पानी जाएगा, इस तरफ कर देंगे तो वो स्पिन में पानी जाएगा, ठीक है ना। ये इसके पाइप लगाने के लिए है, इनलेट का पानी डालने के लिए। और इसमें ये टाइमर है जो कि वॉश का टाइमर है। ये 15 मिनट तक कर देंगे तो लगातार चलेगा, 15 मिनट से ऊपर शॉक टाइमर है। तो इसमें ये टाइमर हो गया। ये आपका कपड़ों का सेलेक्टर है कि कौन से कपड़े आप इसमें वॉश कर रहे हैं। मान लीजिए आप हल्के कपड़े धोते हैं तो ये जेंटल, ये ऊनी कपड़े या जो हल्के कपड़े होते हैं उसके लिए होता है। और अगर आप हैवी कपड़े धोना चाहते हैं तो उस तरफ स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इन दोनों में से मिक्स कपड़े धोना चाहते हैं तो ये बीच में सेंटर में नॉर्मल है। इसमें आपके दोनों टाइप के कपड़े धुल जाते हैं, वॉश भी हो जाता है बढ़िया सा। और ऐसा भी नहीं होता कि बहुत स्ट्रांग हो, ऐसा भी नहीं होता कि बहुत हल्का हो, मतलब जेंटल वाले कपड़े भी इसमें नॉर्मल में धुल जाते हैं, स्ट्रांग वाले मिक्स कपड़ों के लिए होता है एक्चुअल में ये। इसके बाद आप बात करें तो ये है रिंस का ऑप्शन, यानी जो यहाँ पानी होता है उसको ड्रेन आउट करने के लिए। इसको यहाँ तक घुमाएंगे तो पानी ड्रेन हो जाएगा वॉश वाले का, और बैक कर देंगे तो पानी रुक जाएगा बंद, ठीक है, ड्रेन आउट करने। ये वाला जो टाइमर है, ये टाइमर जो है आपका स्पिन का टाइमर है, ये पूरे 10 मिनट का है। 10 मिनट तक आप चला देंगे इसको, 10 मिनट तक वॉशिंग मशीन चलती रहेगी, ठीक है। रिटर्न नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक आपका रिटर्न आ जाता है। इसके बाद इसमें जो पानी होता है, जैसे जो ड्रेन आउट होता है, वो ऑटोमेटिक ही अपना बाहर निकल जाता है पूरा पानी। तो ये हो गया आपका स्पिन का। इसका आपको टब दिखाता हूँ कितना बड़ा है। ये स्पिन का डोर ओपन करते हैं तब भी ऑटोमेटिक मशीन रुक जाती है। इसका ये टब हो गया स्पिन के लिए, ड्रायर का ये हो गया ड्राई करने के लिए। इसके साथ एक ये भी आता है, सेफ्टी कवर बोलते हैं इसको, ये मैनुअल हो गया। ये सेफ्टी कवर है कपड़ों के ऊपर से लगाने के लिए कि कपड़े नीचे ना चले जाएँ। और ये इसका आपका ड्रेन आउट वाला पाइप है, इसी में ये पतला वाला जो पाइप है ये इनलेट वाला है, पानी डालने के लिए इसमें कनेक्ट हो जाता है, एक तरफ नल में एक तरफ मशीन में, ठीक हो गया। इसका मैनुअल है कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें पढ़ लेंगे आपको समझ आ जाएगा, चलाने के लिए आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं वॉश वाले की। वॉश के अंदर आपको दिखाते हैं, ये साइड हो जाता है, इसको साइड करने के बजाय यहाँ हुक होता है, इसको इस तरफ यहाँ टांग सकते हैं आसानी से। ये हो गया आपका, ऐसे बंद है, आपको काम करना है तो यहाँ उठा के इसको यहाँ टांग सकते हैं, बढ़िया है, ठीक। ये आपका पल्सेटर है जो जेट रोलर पल्सेटर है, तो बढ़िया क्वालिटी में सफाई करता है कपड़ों की। ये घूमते हैं, ये चीज़ें घूमती हैं, और ये बढ़िया पल्सेटर माना जाता है। इसमें दो फिल्टर लगे हुए हैं, ये वाले जो कि आपके कपड़ों में जो रेजे वगैरह होते हैं उसको निकालने के लिए अच्छे तरीके के फिल्टर हैं, तो ये बढ़िया है। फिल्टर दो लगे हुए हैं, एक इस तरफ है, इसे प्रेस करना होता है लग जाता है ये यहाँ पे, और एक इस तरफ है आपका ये वाला, ठीक। दोनों तरफ से दबा के निकालेंगे निकल जाएगा, ये दोनों तरफ इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पे रखना है, दोनों तरफ से प्रेस करना है, अंदर दबाना है तो ये आपका लग गया, ठीक है। यहाँ एक और चीज़ है वो भी आपको दिखा देता हूँ, इस तरफ से आ जाइए। ये यहाँ एक वाटर सेलेक्टर है, लेवल पे आप किस लेवल पे रखना चाहते हैं यहाँ से ये सेलेक्ट करेंगे, तो इसे ऊपर कर देंगे और इसे दबा के नीचे कर देंगे, तो वाटर लेवल सेलेक्टर है एक्चुअली, ठीक हो गया। इसका मॉडल दिखाते हैं आपको, ये इसका मॉडल नंबर, ठीक है, ये मॉडल नंबर हो गया। तो गाइज, इसकी एमआरपी की बात करूं, रेट की बात करूं, तो इसका रेट रहेगा लगभग एमआरपी बता रहा हूं, उसमें डिस्काउंट होता है बहुत ज़्यादा, तो आप डिस्काउंट 2-3-4 जो भी हज़ार का डिस्काउंट रहता है जितने परसेंट का वो आप देख सकते हैं। इसकी एमआरपी बताऊं तो आपको है लगभग 20,990, आप एक बार चेकआउट करें, बढ़िया मशीन है एलजी की,
क्वालिटी भी बढ़िया है बाकी मशीनों से, क्योंकि एलजी तो एलजी है, सर्विस में भी प्रॉब्लम नहीं है, एलजी में हर जगह सर्विस मिल जाती है, तो ये बहुत ही अच्छा ऑफर 8.5 किलो मशीन के लिए। ठीक है दोस्तों, ओके बाय।